ये a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी डॉट a प्लस बी। अब इसे आगे जब सॉल्व करेंगे तो a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस b डॉट a प्लस b डॉट b। a डॉट a को लिख सकते हैं a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, a डॉट b b डॉट a ऐसे लिख दिया, ये b डॉट a और a डॉट b लिख सकते हैं, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, तो b डॉट b का मतलब b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसी तरह ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये है, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस टू ए डॉट बी। इन दोनों को प्लस करते ये बन जाएगा फॉर्मूला, ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू टू, और ब्रैकेट में ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब जैसे कि हमने क्या सीधा के मतलब में ये होता है, ए प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। जब तीन वेक्टर हैं ये a कैप प्लस b कैप, ये यूनिट वेक्टर है, ये क्या होगा इसका स्क्वायर, ये यूनिट वेक्टर है, मतलब ये मैग्नीट्यूड वन है। तो पहले से लिख देना इस फॉर्मूले से, तो a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 a कैप डॉट b कैप। अब ये क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड 1 1 4 1 ये भी 1 और ये क्या आएगा 2 a का मैग्नीट्यूड 1 b का मैग्नीट्यूड 1 इनटू cos थीटा। तो ये आएगा a प्लस b a का प्लस b का ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये अलग है, ये आगे यहां करना है, ठीक है। ये क्या आएगा 4 cos थीटा, ये आएगा 2 नहीं 2 तो होगा 2 और प्लस 2 cos थीटा, तो 2 पावर 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। तो क्या लिख देते हैं, ये टर्म बहुत आती है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय, बहुत आती है टर्म, काफी प्रॉब्लम में आती है। अब a कैप प्लस b कैप, a कैप प्लस b कैप ये स्क्वायर डायरेक्ट में क्या आ जाएगा 2 cos थीटा बाय, ठीक है। ये स्क्वायर डालने के अंदर अंडर रूट का आएगा ना, ऐसा फोर्थ हो जाएगा टू ए स्क्वायर अंडर आएगा। इसी तरह से बिल्कुल सत्रवां एक पॉइंट और बनेगा, ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड ये होता है टू साइन थीटा बाय टू, क्योंकि इसको वन माइनस कॉस थीटा आएगा, वन माइनस कॉस थीटा होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाय। और इसी से ही 18 पॉइंट मिल जाएगा, ये समझ गए ये वाला कैसे आएगा, हां सही साइन वाला, ये यहां आएगा 1 माइनस cos थीटा बाय 2 होता है 2 sin स्क्वायर की, तो बहुत जैसे कि क्या है बहुत आती है 1 प्लस cos थीटा बाय 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, अच्छा, और 1 माइनस cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2।
और एक लास्ट में एक्सपेरिमेंट सुन लो, बस लास्ट का नोट करना। जैसे ये है ना ए और दो ब्रैकेट बाय ए, तो ये क्या आएगा, मतलब ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड अपॉन ए कैप प्लस बी कैप का मैग्नीट्यूड, ये क्या है कॉट नहीं, ये अपॉन ए टेन थीटा बाय टू। अच्छा उल्टा कर दिया टेन थीटा बाय, हाँ ऊपर ही लिखा है और लिखवाते हैं कि नोट करना पहले नोट कर ले। क्वेश्चन है ए बी सी आर थ्री मेजरली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, इफ ए बी सी आर थ्री मेजरली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ए
rectangle is not which a plus b plus then the angle theta which a plus b plus c makes with any makes with any of the three vectors is A of n cos inverse 1 upon root 3 B of n cos inverse 1 upon 3 C of n cos inverse 2 upon root 3 or D of n now what does it say? So next thing that आप किस आप बता सकते हो ये क्वेश्चन चलने चल गया नहीं आया चल गया ये क्या है नहीं ये चीज़ वो आपस में परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर है क्या होगा a dot c zero होगा और b dot c भी zero होगा और c dot a भी zero होगा ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है तो इन तीनों का डायरेक्शन सीधा होगा और इनके मैग्नीट्यूड इक्वल है जैसे a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड और c का तीनों का इक्वल है तीनों का मैग्नीट्यूड कुछ भी ले लो जैसे ले लो लैम्डा तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है अब इसमें a प्लस b प्लस c आ रहा है इतना ही वाला मतलब लगाओ a प्लस b प्लस c का a प्लस b प्लस c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट हाँ तो इसमें क्या कर रहा हूँ ये a प्लस b प्लस c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो ये कितना है लैम्डा तो लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर तो थ्री लैम्डा स्क्वायर अच्छा ये हो गया जीरो 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 ये जीरो तो a प्लस b प्लस c का मैग्नीट्यूड क्या है लैम्डा अंडर रूट थ्री अब पूछा क्या है अब पूछा है एंगल बिटवीन ये पूछा है इनमें से कोई सा भी एक फैक्टर लो और इसके और इसके बीच का या तो ए ए ले लो ए और ए प्लस बी प्लस सी या बी ले लो बी और ए प्लस बी प्लस सी या सी और ए प्लस बी आएंगे कुछ भी ए एंड ए प्लस बी प्लस सी ये पूछा है
कोई शादी नहीं हो, यहाँ दिल भी ले सकते हो, सी भी ले सकते हो, एनी ऑफ द थ्री, तीन में से कोई शादी ए बी सी में से इधर ही लेना है, प्लस प्लस के ही काम होगा, इनका डॉट प्रोडक्ट ऊपर आएगा और इनके मैग्नीट्यूड भी चाहिए। cos theta इक्वल टू भाई cos theta इक्वल टू है, अब क्या आएगा a डॉट a, a डॉट a का मतलब a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, a डॉट a का मतलब a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो a का मैग्नीट्यूड लैम्डा है और a डॉट b 0, a डॉट b 0 अच्छा हां सर, और a डॉट c 0 नीचे आ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड लैम्डा इनटू स्क्वायर रूट 3 लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर का मतलब आएगा 1/√3, कोई चीज रह जाती है तो रिकॉर्डिंग में देखते हैं और उसमें आ जाती है। जैसे ए और बी के बीच में अंतर निकालना है,
इधर ये और नीचे पिछला जो निकला यहाँ से वही इधर रखो अब ये मैग्नीट्यूड कब आता है मैग्नीट्यूड जब आता है जब दो बार ही होंगे जैसे ए प्लस बी और डॉट ए प्लस बी इक्वल टू ये लिख सकते हैं माइनस सी डॉट माइनस सी ये समझ गए नहीं ये दो बार क्यों लिखा है क्योंकि ए डॉट आएगा तभी ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा तो a प्लस बी माइनस सी के इक्वल है ना तो ये हमने दो बार लिखा है अब ये इक्वल है माइनस सी के इसलिए जगह फिर लिख दिया माइनस सी और इसलिए लिख माइनस सी अब ये a डॉट a क्या आएगा a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये आएगा a डॉट b और b डॉट a तो हमने ये डायरेक्ट लिखा है साइन फैक्टराइज a डॉट b और प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये हो गया इधर c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया अब ये है 3 तो ये 9 प्लस 7 तो a डॉट b को क्या लिख सकते हैं a का मैग्नीट्यूड वो 3 है इनटू b का मैग्नीट्यूड वो 5 है इनटू cos थीटा a डॉट b को लिख सकते हैं a का मैग्नीट्यूड 3 b का मैग्नीट्यूड 5 इनटू cos थीटा और b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 3 इक्वल टू 49 ये कितना आ गया 30 30 cos थीटा इक्वल टू ये 34 तो 15 हाँ यार तो 34 इधर अगर माइनस का 15 तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय 2 थीटा इक्वल टू 5 बाय 6 5 बाय 3 3 5 बाय 3 3 अभी आप सर इसमें एक चीज भी कर सकते हैं ना हाँ यहाँ से पी वेक्टर डॉट पी वेक्टर निकाल लीजिए और उसमें कॉस थीटा वाले फॉर्मूले में रख जैसे ऐसे ये लिखा है मॉड ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ये कौन सा लिखते हैं ये इससे क्या है हैं ये किसका मैग्नीट्यूड का पता है इससे नहीं इससे 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 सही नीचे लिखा है ना हाँ इसको निकाल लिए थे क्योंकि हम पे स्क्रीन वैल्यू है स्क्रीन वैल्यू है स्क्रीन वैल्यू अब ये जो तीन तीन होती है ये ए बार की हो गई है यार तो ए का मैग्नीट्यूड निकाल लिया आपने तो इसकी वैल्यू निकाल ली तो लिख के बताओ कैसे कर रहे लिख के बताओ कैसे कह रहे एक क्वेश्चन है तुम बता सकते हो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड तो क्या होगा ए और बी पैरेलल होंगे ए इज पैरेलल टू बी दूसरा है ए इज परपेंडिकुलर टू बी
इज परपेंडिकुलर टू बी, तीसरा है ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू होगा बी के मैग्नीट्यूड के, और चौथा है नल। इजी क्वेश्चन है, बता सकते हो, पहले ये नोट कर लो। हाँ बताओ तुम किस तरीके से कर रहे थे। तो वही बात तो हुई, कोई तो कम लगाया ए डॉट बी का ही तो लगाया, वो ए की बात है जो तुम कह रहे हो, ये भी तो यही तो कम लगा दिया ए डॉट बी को, ए का करते हो बी का करते हो कॉस थीटा, वो तुम बाद में लगा रहे हो। हाँ तो वही तो फोन तो लगा रहे हैं, तो यहाँ लगा रहे हैं तुम बाद में एक ही बार। हाँ ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ये इक्वल टू है ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के, तो ए और बी पैरेलल होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, और फिर ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा या नॉट होगा। कौन सा होगा? बिना सोचे नहीं, बिना सॉल्व करने कैसे बता देते हो, यहाँ समझ में नहीं। ये तो तुम्हें ही पता होगा, फिजिक्स में तो है। भैया आज समझ में अरे बहुत इजी है, आज फॉर्मूले लिखवाएंगे, देखो ना आज ही जो लिखवाए फॉर्मूले। अरे ये नहीं लिखवाया इसको, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर पे स्क्वायर कर लो, क्या क्या मतलब था, ए प्लस बी जब ये इक्वल हो गए स्क्वायर भी इक्वल हो गए। अब ये फॉर्मूले लिखवाए तो ना ये होता है ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी, और ये क्या होगा ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस टू ए डॉट बी। तो कभी मैग्नीट्यूड बनना तो मैग्नीट्यूड कभी सॉल्व नहीं होता, उसका स्क्वायर के फॉर्म में है सारे, तो स्क्वायर कर दिया करो अपने आप। अब ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये टू ए प्लस का और ये इधर आ गया ए प्लस का हो जाएगा, तो फोर ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। हाँ तो ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर वेक्टर। तो कभी मैग्नीट्यूड सॉल्व नहीं होता, इसके स्क्वायर के फॉर्म में आज लिखवाए ना सारे 17-18 फॉर्म में लिखवाए। वो फॉर्मूले ये पॉइंट देख लो 18 बस, तो डॉट प्रोडक्ट के सारे क्वेश्चन होते हैं। Thank you.
एंड दी वेंडर ये गाय ए बी और ए प्लस बी तीनों के मापांक तीनों के मैग्नीट्यूड तीनों के परिमाण हाँ एक है ए मतलब ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड और ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड तीनों का मैग्नीट्यूड वन है तो ए और बी के बीच का एंगल बताना है क्योंकि बहुत आसान है बता सकते बता सकते हो आप बता सकते हो तुम तो डायरेक्ट फॉर्मूले वाले भी क्वेश्चन नहीं बता रहे फिर कैसे करोगे हम ए में सारे फॉर्मूले तो लिख भी दिए हम सर 90 अरे वैसे तुम क्या मैं बोल रहे हो ऐसे नहीं तो अरे अभी तो फॉर्मूला लिखवाया था अरे ये तो फॉर्मूला था ये दिखा रहा हूँ ए बी और ए प्लस बी इसी में तो आते हैं कि ना हाँ सर इसी में तो लाया था ना ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी ए वन ए बी वन ए बी वन टू इसीलिए सारे पार्ट्स हमने पहले लिखवा दिए थे ये क्वेश्चन है नोट कर लिया ये गाय ए बी सी आर नॉन जीरो वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर सच दैट A dot B is equal to A dot G. If gamma B is equal to C, दूसरा है A is perpendicular to B. ऐसे दिखाया A is perpendicular to B का C मतलब A B के परपेंडिकुलर है C के भी A इस परपेंडिकुलर टू B माइनस C और आइदर A is perpendicular to
b माइनस सी और b इक्वल टू सी। ये राय ए बी सी ये नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, नॉन जीरो। ए बी सी नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और a डॉट b इक्वल टू a डॉट c है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो यह a डॉट b इक्वल टू a डॉट c, यहाँ से लिख सकते हैं a डॉट b माइनस a डॉट c इक्वल टू जीरो। अच्छा, इसमें जैसे कॉमन बताया ना, कॉमन ले सकते हैं, जैसे ये कॉमन ले सकते हैं कि a डॉट b माइनस। अब जो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है तो क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होते हैं, तो a इज परपेंडिकुलर टू b माइनस c। अच्छा, ये भी हो सकता है जब b माइनस c जीरो हो जाए, क्योंकि इसमें a b c तो भाई जीरो नहीं है, ये तो भाई a b c जीरो के लिए लेते हैं, जैसे a को जीरो तो ऊपर नहीं ले सकते, लेकिन b माइनस c तो जीरो हो सकता है। ABC अलग अलग के जीरो नहीं है, तो इसका मतलब B इक्वल टू C, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, या तो A और B माइनस C परपेंडिकुलर होंगे, या फिर B इक्वल टू C C के हो जाएगा। ये नोट करने इधर का सर, ये हाँ वो कर, ये इधर वाला ये a वेक्टर है y प्लस j प्लस k, a वेक्टर है y प्लस j प्लस k, b वेक्टर है i माइनस 5j और c वेक्टर है 4i प्लस 4j। a minus 3b on the vector c is after the negative minus 11 33 minus 30 बताओ।
हम बताओ ये आता है
Gracias.